इसराइल हमास युद्ध के बीच राफा की लड़ाई ने सारा गेम ही पलट कर रख दिया है। राफा में जिस मकसद से IDF घुसी थी वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। उल्टा हमास के लड़ाके राफा के अलावा अब गाजा के अन्य हिस्सों में दोबारा अपनी पकड़ कायम कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे बल्कि हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड के ये वीडियो कह रहे हैं जो गाजा में जमीनी स्तर की हकीकत को दिखाते हैं। दरअसल गाजा के तलल हवा इलाके में अल कासिम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों पर एक बड़ा स्नाइपर ऑपरेशन किया है जिसका वीडियो फुटेज भी सामने आया है। अल कासिम के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे हमास का एक लड़ाका सामने की बिल्डिंग के बाहर जा रहे कुछ इजरायली सैनिकों पर स्नाइपर राइफल से निशाना लगाता है और जैसे ही गोली लगती है IDF का सैनिक जमीन पर गिर पड़ता है। इसके बाद तलल सुल्तान में अल कासिम के लड़ाके IDF के हेडक्वार्टर पर गोरिल्ला स्टाइल में हमला करते हैं। अल कासिम के इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि पहले तो दूर खड़े इजरायली सैनिकों पर निगरानी की जाती है और फिर IDF की एक बिल्डिंग पर निशाना लगाया जाता है और इसके बाद हमास के लड़ाके सामने खड़े IDF टैंक पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देते हैं और इस हमले के बाद एक और टैंक पर हमास का लड़ाका रॉकेट फायर कर देता है। और इस अटैक के बाद दूर खड़े इजरायली सैनिकों पर भी स्नाइपर राइफल से हमला किया जाता है और ये हमला करके हमास के लड़ाके वहां से भाग निकलते हैं। और वीडियो में आगे देखने पर नजर आता है कि एक बिल्डिंग में IDF के कुछ जवान खिड़की के पास खड़े होते हैं और तभी हमास का लड़ाका उनके ऊपर फायरिंग कर देता है। और इसके बाद तलल हवा में IDF घुसने की कोशिश करती है तो अल कासिम के लड़ाके उसके ऊपर फिर से हमला कर देते हैं। अल कासिम के इस वीडियो में दूर से कुछ IDF के टैंक और बुलडोजर नजर आते हैं जिनके रास्ते में अल कासिम के लड़ाके बारूद बिछा देते हैं और जैसे ही ये बुलडोजर उस बारूद के पास पहुंचता है वैसे ही उसमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसके बाद दूर खड़े एक IDF के टैंक पर रॉकेट लॉन्चर से हमला होता है जिसमें एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और इसके बाद वहां से IDF के जवान भाग निकलते हैं और इन जवानों पर भी हमास के लड़ाके हमला कर देते हैं। इसके बाद हमास के कुछ लड़ाके एक खंडर पड़ी इमारत में घुसकर सामने की बिल्डिंग में रॉकेट से हमला कर देते हैं। और इस हमले के बाद अल सुजैया के अल तकद्दुम एक्सिस में अल कुद्स ब्रिगेड इजरायली सैनिकों और उसके वाहनों पर बड़ा अटैक करती है। अल कुद्स ब्रिगेड ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें हमास का एक लड़ाका हरियाली के बीच छिपकर लॉन्चर में रॉकेट भरकर फायर कर रहा होता है। इस वीडियो में दूर खड़े IDF के कुछ टैंक नजर आते हैं जिन पर हमास के लड़ाके ताबड़तोड़ तरीके से रॉकेट फायर करते हैं।
और इस हमले के बाद अल कासिम के लड़ाके तल अल हवा में अल सीना इलाके में दूर खड़े इजरायली सैनिकों पर घात लगाकर एक बहुत बड़ा हमला करते हैं। अल कासिम के लड़ाके पहले तो एक बिल्डिंग में छेद करते हैं और उसके बाद दूर खड़े इजरायली सैनिकों पर स्नाइपर राइफल से हमला होता है। इस हमले में आईडीएफ का एक जवान जमीन पर गिर पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ आईडीएफ का कहना है कि इन हमलों में उसका एक जवान मारा गया है। ये जवान मगलान कमांडो यूनिट में तैनात था जो तल अल हवा के इलाके में मारा गया है, और इसके अलावा दो रिजर्विस्ट भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और इन हमलों के बीच इसराइल के रक्षा मंत्री ने इसराइली संसद को बताया कि हमास के 60% लड़ाके गाजा में मारे जा चुके हैं और इनमें से अधिकतर हमास की 24वीं बटालियन में थे।